Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कल घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष और मंदिर प्रशासन में कोई भी सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि एक नई परंपरा का आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम पक्ष मसाजिद कमेटी की तरफ से। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जाने वाले मार्ग नंबर 4 गेट नंबर 4 को लेकर मुस्लिम पक्ष और मंदिर प्रशासन के बीच में विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है। कल घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष और मंदिर प्रशासन में कोई भी सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि एक नई परंपरा का आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम पक्ष मसाजिद कमेटी की तरफ से कि इस 4 नंबर गेट के ठीक सामने फ्रेम लगाकर उस पर एक गेट लगाया जा रहा है, और इसका ही विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से कर रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में उनको मस्जिद में जाने से, यानी ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है। आज मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और विभिन्न पर्वों को देखते हुए, आयोजनों को देखते हुए तमाम पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है। देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं वो तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ जो मंदिर की अपनी फोर्स यहां पर डिप्लॉय होती है वो भी यहां पर तैनात है, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है। हालांकि आज जुमे की नमाज़ है, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में जो नमाजी हैं आज जुमे की नमाज़ अदा करने पहुंचेंगे। साथ ही साथ सावन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि भी है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर में हमेशा से कहीं ज़्यादा संख्या में पहुँच रही है। तो वहीं आज शिवसेना की तरफ से भी मंदिर में सामूहिक रूप से जो जलाभिषेक है उसका भी कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिला के भीड़ की काफ़ी आने की उम्मीद है, और भीड़ रोज की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भी है। हमारे साथ मस्जिद और मुस्लिम समाज के तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अभी किसी बात पे रजामंदी बनी कि नहीं आप लोग की? नहीं, रजामंदी नहीं है, प्रशासन का आश्वासन है, और प्रशासन ने जो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम उसको देख लेंगे, कर लेंगे। अभी हम फिलहाल गेट का मामला जो है वो टाल दिया है, और सिर्फ पिलर एक लगा है मस्जिद कमेटी का, मतलब पिलर वगैरह निकाल लो, बाकी प्रशासन ने जो काम हो रहा था वो रोक दिया है। हाँ, उसने काम रोक दिया है, अपना कल से काम रोक दिया है। ये तो अभी भी क्या आप लोग ये चाहते हैं कि वो फ्रेम है वहाँ से हटा दिया जाए, कि अभी इस पर रजामंदी हो गई कि सब कुछ सामान्य हो गया? नहीं, फ्रेम वाला जो है रजामंदी अभी नहीं हुआ है। फ्रेम के लिए मौलाना बातिन साहब भी लोग बैठे थे, उस कमेटी वाले वो कह रहे थे कि फ्रेम को हटा दिया जाए, बस यही है, बाकी का कुछ नहीं है, सब कुछ शांति व्यवस्था सब ठीक है। तो आज तमाम पर्व भी हैं, आयोजन है, जुमे की नमाज है, और इसको लेकर मुस्लिम समाज का ये कहना है सब कुछ सामान्य तो है, लेकिन उनकी ये मांग है कि जो अलग से फ्रेमिंग की गई है, देख सकते हैं वहाँ पर गेट लगाए जाने की बात थी, हालांकि गेट तो हटा दिया गया है मंदिर प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि विशिष्ट यहाँ पे क्षेत्र है, और भी मुस्लिम समाज के यहाँ पे लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं, मस्जिद कमेटी से जुड़े उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, क्या हुआ किसी बात पे काफ़ी लोग नहीं भी बात करना चाह रहे हैं। ये बताया जा रहा था कि जो विशिष्ट क्षेत्र है उसके तहत ये पूरा विवादित जो स्थल है, जो विवाद की जड़ है, वो पूरा विशिष्ट क्षेत्र में आता है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है उसके बीच में विवाद पनपा है, और सुरक्षा समिति को लेकर बैठक हुई थी बीते दिनों, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जो मंदिर के तरफ 4 नंबर गेट के पास एक नया गेट बनाया जाए, जिसको लेकर जो सुरक्षा के मानक है उसको पूरा किया जा सके, और साथ ही साथ सावन के मद्देनज़र जो यहाँ पर 4 नंबर गेट है वहाँ से फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनके जाने का मार्ग रोका गया है, क्योंकि एक दूसरा मार्ग उनके लिए तय कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाता है उसको लेकर एक नया गेट ज़रूर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उनको आपत्ति है कि नई परंपरा नया गेट नहीं मान्य होगा, नहीं स्वीकार होगा। अगर मंदिर प्रशासन को कुछ करना भी था तो उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनको अपनी बात करनी चाहिए थी,
तभी मंदिर प्रशासन को मुस्लिम समाज के साथ मिलकर कोई फैसला तय करना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके मंदिर प्रशासन इस नए गेट को थोप रहा है मुस्लिम समाज पर, मस्जिद कमेटी पर, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और देख सकते हैं लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और तो और जो पुलिस के जवान मुस्तैद हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, और मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे में यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, जुमे की नमाज ज्ञानवापी मस्जिद में, साथ ही साथ सावन में महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसको लेकर संख्या हमेशा से कहीं ज़्यादा है श्रद्धालुओं की, तो शिवसैनिक भी बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से यहाँ पर जलाभिषेक करने आएंगे। तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर और साथ ही साथ अंदर भी मुस्तैद है, और किसी भी तरह की कोई घटना न होने पाए इसको लेकर हर कोशिश कर रही है, और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही है, अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल मंदिर प्रशासन और मस्जिद कमेटी में बात बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।